बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, दिस इज़ तारिक। आई होप सो नाउ डेज यू आर लर्निंग एट योर होम। नाउ टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर क्लास 7 एंड दैट विल बी द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सिलेबस। टाइटल इज कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6। ओके, नाउ आई एम टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 87। Just open your book. The internet offers users several different ways of connecting with people. You already know about email and web browsing. अच्छा, इंटरनेट जो है आपको different तरीके से जो है different opportunities या कह लो different ऐसी website देता है जिससे आप एक दूसरे से बातचीत कर सको या communication कर सको। आपको आपको पहले ही पता है, ये कह रहा है कि ईमेल और वेब ब्राउजिंग के बारे में, कि आप वेब ब्राउजिंग यानी इंटरनेट पे जो चीज़ सर्च करते हो जाके वो वेब ब्राउजिंग कहलाती है। ईमेल जो है एक छोटा सा मैसेज होता है जो आपके अकाउंट में चला जाता है, उसके लिए पहले अकाउंट डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद मैसेज टाइप करके आप एक दूसरे को सेंड कर देते हो, सही है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर सर्विसेज। अब ये यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इंटरनेट पर कर रहे हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ इंटरनेट पर मौजूद है। सबसे पहले हेडिंग है चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड न्यूज़ ग्रुप। आप चैटिंग तो समझ आती है स्टूडेंट, चैट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, सही है। यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है और न्यूज़ ग्रुप क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग ये है कि आप एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हो और उसका रिप्लाई फ़ौरन से आ जाता है, यानी एट द सेम टाइम आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपका फ्रेंड कंप्यूटर पे बैठा है और आप चैट करो, जैसे फेसबुक पे ऊपर आप मैसेज कर रहे हो फ़ौरन से रिप्लाई आ जाता है, या व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हो तो वो भी इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाती है कि टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर न्यूज़ ग्रुप की बात करोगे स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको अगर न्यूज़ मिल रही है तो वो हो सकता है डे टू डे मिल रही हो न्यूज़। एक ग्रुप बना हुआ जहाँ पर न्यूज़ शेयर हो रही है, कोई न्यूज़ किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। आगे आप टॉपिक पढ़ोगे इंटरनेट पे, हम किस चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ते हैं आगे टॉपिक्स इंटरनेट पे, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन किन टॉपिक्स के बारे में एक दूसरे से हम न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट लेट्स टर्न द पेज नंबर 88। द फर्स्ट हेडिंग है चैट रूम, सही है। चैट रूम क्या होता है, कैसे ऐसा वर्चुअल रूम या ऐसा रूम इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स जो है वो मौजूद हों, सही है, ऑनलाइन हो और आपस में बात कर रहे हो, तो एक रूम बना हुआ होता है जिसके अंदर आप चैट कर रहे हो तो बात कर रहे हो तो एंड और वहाँ पे क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई चीज़ एक दूसरे से फ़ाइल वगैरह या कोई पिक्चर्स वगैरह या वीडियो फाइल शेयर कर रहे हो, सही है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है जैसे ICQ.com, delphiforum.com, सही है, teenchat.com, तो आपस में बातचीत करो, सही है। किसी भी नॉन से, अपने फ्रेंड से या नॉन से भी बात कर रहे हो तो बस ये है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ना दो चैट रूम के अंदर। इंस्टेंट मैसेजिंग है स्टूडेंट, इंस्टेंट मैसेजिंग समझा चुका हूँ मैं, वो चीज़ जो फ़ौरन से रिप्लाई करे, जैसे स्काइप है, यहाँ पे विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, याहू मैसेंजर्स है, सही है, इनके ऊपर आप बात करते हो एक दूसरे से। इससे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये तो है कि इंस्टेंट मैसेजिंग समझ आ गई कि रिप्लाई आपको फ़ौरन से रिसीव हो रहा है या फ़ौरन से आप भेज सकते हो किसी को रिप्लाई मैसेज का, सही है, तो इसको इसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है इंस्टेंट का। अब यहाँ पे याहू मैसेंजर है स्टूडेंट, ये पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 88 पे 6.1, याहू मैसेंजर साइन इन स्क्रीन लिखी हुई है, यानी फर्स्ट स्क्रीन जो अपेयर होती है याहू पे अकाउंट बनाने के बाद वो ये इस तरीके से आती है, सही है। तो यहाँ पे याहू मैसेंजर रीड कर दे तो स्टेप्स हैं इसके कुछ, तो कैसे यूज़ करते हैं उसको देख लो, सही है। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट करोगे, डाउनलोड इंस्टॉल करोगे याहू मैसेंजर को गूगल पे जाके, सिलेक्ट स्टार्ट प्रोग्राम, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, उसको स्टार्ट प्रोग्राम में जाके खोल लोगे, डबल क्लिक करोगे, उसके बाद वो ID पासवर्ड मांगेगा, साइन इन कर लोगे, सही है। होम स्क्रीन जो यहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है विंडो छोटी सी पर्पल कलर की पेज नंबर 88 पे वैसी अपेयर हो जाएगी, सही है। तो ये अकाउंट बन जाएगा आपका, सही है। इसके थ्रू आप एक दूसरे से मेल जो है बातचीत कर सकते हो, सही है, और इसको एक दूसरे को मेल कर सकते हो। जैसे हम ईमेल एड्रेस हमने सुना होगा कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है tariqkamal@ymail.com, सही है। जीमेल होता है एक, अगर याहू मैसेंजर पे आप ईमेल अकाउंट बनाओगे तो किस तरीके से आएगा, tariqkamal
एट द रेट ymail.com, सही है। तो ये अकाउंट आपका बन जाएगा, यहाँ से आप मैसेजेस कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 89। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आप जो है एक्सप्लेनेशन के दौरान पेजेस ओपन करके बैठो ताकि चीज़ें समझ आए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डूज़ एंड डोंट्स ऑफ चैट, यानी जब आप चैटिंग कर रहे हो तो क्या काम आपने करना है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो तो क्या काम आपने करने हैं वो डूज़ कहलाते हैं, और क्या काम आपने नहीं करने हैं यानी क्या चीज़ें जो है क्या रूल्स फॉलो करने हैं या कह लो कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी एक अननोन से बात कर रहे हो तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं करनी, तो यहाँ पे पढ़ लेना क्या है। यूज़ चैट निक नेम, अपना निक नेम रखो, रियल नेम ना रखो। चेक टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी स्टेटमेंट ऑफ द चैट साइट, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी रूल्स और पॉलिसी है चैट साइट की वेबसाइट की वो फॉलो करो, सही है। यूज़ डिसेंट लैंग्वेज वाइल चैटिंग, आपस में एक दूसरे से स्लैंग लैंग्वेज में बात नहीं करो, सही है। जो आजकल जैसे बच्चे गेमिंग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को जो लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखते तो वो ना करो। डोंट डू नॉट रिवील एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द चैट रूम, कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दो चैट रूम के अंदर, सही है। किसी से मिलने के लिए तैयार ना हो, डो नॉट एग्री टू मीट समवन। उसके बाद स्टूडेंट न्यूज़ ग्रुप आ जाता है। न्यूज़ ग्रुप में आपको पीछे बता के आया हूँ, ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप अपनी मैसेजेस को शेयर कर सको या न्यूज़ दे सको, सही है, किसी भी टॉपिक के हवाले से। अब वो टॉपिक्स मैंने यहाँ बताने के कौन कौन से टॉपिक्स पे आप ग्रुप बना सकते हो, तो यहाँ पे बने हुए होते हैं ग्रुप्स ऑलरेडी कंप्यूटर पर, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। यहाँ पे कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको रीड करूँगा मैं। COMP.com यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं। उसके बाद MISC मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस यानी कोई भी हो सकता है, सही है, साइंस भी हो सकता है इसके अंदर, कंप्यूटर भी हो सकता है, गेम से रिलेटेड भी होता है मिसलेनियस में। न्यूज़, अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ से रिलेटेड कोई ग्रुप बने हुए होंगे। REC क्या है, रिक्रिएशन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स हॉबीज़ वगैरह से रिलेटेड कोई ग्रुप होगा तो वो ज्वाइन करना चाहो तो उस पर अपने कॉमेंट आप दे सकते हो जाके। साइंस से रिलेटेड है, साइंटिफिक टॉपिक है, सोशल SOC टॉक, टॉक से रिलेटेड कोई चीज़ है, ALT वेरी टॉपिक्स है, ALT बाइनरीज इमेजेस एंड वीडियोस आपको मिल जाती है। बेस टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस कॉमर्स जॉब्स, तो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक कैटेगरी मिलेगी वहाँ पे BIZ, सही है। तो न्यूज़ ग्रुप समझ आ गया होगा स्टूडेंट, ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप न्यूज़ दे सकते हो या आपको किसी चीज़ के बारे में या आप जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड रेट के बारे में जानना चाहते हो कि अभी क्या गोल्ड रेट के जो है पाकिस्तान में जो सोना है वो उसका रेट क्या चल रहा है, समझ आई बात, तो वो आप यहाँ पे जो है जाके देख सकते हो सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर, सही है, अवेलेबल होते हैं और कैटेगरीज मैंने पढ़ दी हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट देखें पेज नंबर 89 पे, तो यही चीज़ें मौजूद हैं। पेज टर्न करोगे स्टूडेंट पेज नंबर 90 आ जाएगा, ब्लॉक सबसे पहले हेडिंग देख रहे होगे ऊपर ब्लॉक्स की, सही है। ब्लॉक क्या चीज़ है, एक ब्लॉक और आप ब्लॉक वेब ब्लॉग यानी इंटरनेट पे ब्लॉग बना रहे हो, वेब जो यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, सही है। वेब इज़ अ यानी इंटरनेट क्या है, वेब है कंप्यूटर्स का, सही है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। तो वेब ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट ऑन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलरली एंड डिस्प्लेड इन रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर डेट इज़ विद द मोस्ट रिसेंट एंट्री फर्स्ट, सही है। तो आप जो पहले ऐसे जैसे एसेज है, एसे कोई ऐसे आपने बनाया और जी पोस्ट कर दिया इंटरनेट के ऊपर, सही है। फिर उसके बाद जो है 10 जो है पर्सन ने और एसेज लिखे और पोस्ट कर दिए तो वेबसाइट के ऊपर, सही है। तो आपका जो था जो आपने तो सबसे पहले किया था तो आखिर में चला गया, और जिसने आखिर में किया होगा वो सबसे पहले जो है पोस्ट हुआ हुआ होगा जब आप वेबसाइट खोलोगे तो, सही है। ये ब्लॉग्स कहलाते हैं और ये जो है रोज़ाना के यानी डेली जो है ये ब्लॉग्स जो है वो बनाए जाते हैं और वेबसाइट पे रखे जाते हैं ताकि लोग पढ़ सकें और उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद वेब फीड्स है स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग पेज नंबर 90 पे ही हूँ। वेब फीड क्या है, ये है इसकी थर्ड लाइन रीड करूँगा। अ प्रोग्राम और वेबसाइट डेट अलाउ यू टू कीप अप विद न्यू कॉन्टेंट फ्रॉम वेबसाइट ऑफ योर इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ फीड रीडर, सही है। ये आपका क्या कहलाता है, न्यूज़ फीड क्या कहलाती है स्टूडेंट, या वेब फीड क्या कहलाती है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो रोज़ाना तो आपको जो है वो वेबसाइट जो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये इन्फॉर्म करेगी। अगर उससे रिलेटेड कोई और आर्टिकल इंटरनेट पे पोस्ट होगा तो आपके पास एक न्यूज़ आ जाएगी, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड वेब फीड, सही है, कि उन्होंने कोई चीज़ नया कंटेंट जो है इंटरनेट पे डाला है अपनी वेबसाइट पे तो आप वो देख लो जाके,
सही है, जैसे आप यूट्यूब पे जाके करते हो, सब्सक्राइब करते हो वीडियोस को, तो वो कहते हैं कि भाई अगर नई वीडियो कोई अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन करने का भी मतलब यही होता है वेबसाइट में। तो आप जब कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसकी हिस्ट्री मौजूद होती है। सही है कि आपके क्या इंटरेस्ट, क्या आप किस टाइप की वीडियोस या आप किस टाइप के डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो, तो वेबसाइट क्या करती है, आपको एक मैसेज कर देती है कि अगर उस आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई कंटेंट उन्होंने इंटरनेट के ऊपर ऐड किया है, तो वो आपको मैसेज करके बता देती है। सही है, उसके बाद है स्टूडेंट, इसी टॉपिक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। सही है, सोशल नेटवर्किंग क्या है। अब जितनी भी साइट्स हैं स्टूडेंट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और माई स्पेस और ये सारी जो वेबसाइट आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, ये सब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। सही है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यानी जो आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे के करीब रख सके, कि आप एक दूसरे से मिलते तो नहीं फेस टू फेस, लेकिन बातचीत कर सकते हो। सही है, तो ये वेबसाइट क्या कहलाती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाती हैं। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, पेज नंबर 90 पे बिल्कुल लास्ट में लिखा है कि 6 डिग्रीज वॉज द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1997 टू 2001, तो 2001 या 1997 से लेके 2001 तक बनाई गई है। सही है, उसके बाद फिर आगे फर्दर जो है फेसबुक 2004 में बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फेसबुक, पेज नंबर 91 पे सबसे टॉप पे फेसबुक पे क्या है, किसने बनाई। फेसबुक इज़ अ वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस, इट वॉज फाउंडेड बाय मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने बनाई, हु वॉज अ स्टूडेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्टूडेंट था। सही है, 2004 में इसने बनाई। सही है, उस पहले मेंबरशिप जो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दी कि वो यूज़ कर सकते हैं, फिर लेटर ऑन दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जो है ये परमिशन मिली कि वो वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है पब्लिकली ये वेबसाइट जो है पब्लिश हो गई, और फिर उसके बाद आप ये इस्तेमाल कर रहे हो अभी अपने घर पे। फेसबुक पे क्या करते हो, पिक्चर्स वगैरह सेंड करते हो या वीडियो सेंड करते हो, एक दूसरे से चैट करते हो। सही है, तो ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पे। सही है, फेसबुक की, तो ये आंसर में भी आपको आएगी कि पूछा जाएगा राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन फेसबुक, तो आपने ये चीज़ें लिखनी है। सही है, कि किसने बनाई फेसबुक और कब बनाई, और जो फेसबुक पे आप क्या करते हो उसके उसमें लिखते क्या हो। सही है, क्या क्या चीज़ें फेसबुक में, यानी आप ग्रुप बना सकते हो उसके अंदर। सही है, एक दो ग्रुप बना सकते हो और उसमें जो है न्यूज़ शेयर कर सकते हैं आप, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 91 पे माई स्पेस दिया हुआ है, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, लेकिन आप इसको रीड कर लेना। ओके, कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसने बनाया है, एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए कि ये किसने जो है ये वेबसाइट को बनाया है, और इसमें जो है ये किस लिए बनाई गई है। फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोस वगैरह जो है इसमें जो है शेयर कर सकते हो आप एक दूसरे से, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड फ़ाइल है या वीडियो से रिलेटेड फ़ाइल है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स से स्टूडेंट बनी हुई है इंटरनेट के ऊपर, शायद आपको नाम भी सबका नहीं पता होगा, लेकिन आपकी बुक्स में जो चीज़ें दी हुई हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। सही है, तो क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू इन योर एग्ज़ाम बेस्ड ऑन द टॉपिक विच आर प्रेजेंट इन योर सिलेबस या प्रेजेंट इन योर बुक। तो जितनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी स्टूडेंट, वो आपके पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये बता दूँ कि आई होप सो कि यू आर डूइंग जो है होमवर्क टाइमली, आप होमवर्क कर रहे होगे घर पे, और कोर्स सब ने परचेज कर लिया होगा, और ये के स्कूल तो ओपन है, अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया तो आके कोर्स ले ले, बिकॉज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिर उसका जो है काम आपने करना होगा। तो अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो स्टूडेंट आप कोर्स परचेज कर लो स्कूल से। सही है, उसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर है हमारा, नेक्स्ट पेज नंबर होगा पेज नंबर 92। स्टूडेंट कम ऑन पेज नंबर 92, आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्विटर। सही है, अब ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे क्या होता है, किसने बनाया है ट्विटर को, जैक डॉर्सी ने बनाया मार्च 2006 में। सही है, इट इज़ सोशल नेटवर्किंग सर्विस डेट अलाउ यू टू कम्युनिकेट बाय सेंडिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज अप टू 280 कैरेक्टर्स, यानी ABCD अगर लिखना शुरू करोगे तो सिर्फ आपके पास 280 कैरेक्टर का ऑप्शन होगा, कि उससे ज़्यादा टाइपिंग आप नहीं कर सकते। तो और वो शॉर्ट मैसेज क्या कहलाता है,
ट्वीट कहलाता है, सही है। जैसे आपने कहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चैनल न्यूज़ सुनते होंगे कि ट्वीट किया, सही है, या कोई भी दुनिया की मशहूर पर्सनैलिटी जो है वो ट्वीट कर देती है, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और आपके फॉलोअर्स होते हैं तो उनके पास वो चली जाती है न्यूज़, आपका मैसेज चला जाता है, सही है। उसके बाद अदर सर्विसेज हैं, स्टूडेंट ई ग्रीटिंग्स वगैरह, यहाँ इस पे पेज पे पेज नंबर 92 के ऊपर ही जहाँ पर ट्विटर मौजूद है ना, उसी के जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है अदर सर्विसेज हैं। अदर सर्विसेज में स्टूडेंट आप ई ग्रीटिंग हेडिंग दी हुई है। अब ई ग्रीटिंग में क्या चीज़ है कि आप जो है किसी को बर्थडे विश करना चाहते हो या ग्रीट करना चाहते हो किसी भी उसके इवेंट के हवाले से, तो आपको पर यहाँ पर कार्ड बने हुए मिल जाएंगे स्टूडेंट, या फिर म्यूज़िक फाइल मिल जाएगी या कोई वीडियो फाइल मिल जाएगी, वो आप ई ग्रीटिंग में जाके जो है, वो भी एक वेबसाइट है, सही है, सर्च करोगे गूगल पे सारी वेबसाइट आ जाएंगी, सही है। किसी पे आपको लॉगिन फॉर्म बनाना जो है लॉगिन चाहिए होता है, यानी फॉर्म बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद जो एक्सेस मिलता है। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप यूज़ कर सकते हो बगैर अकाउंट बनाए भी उसे, सही है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, पेज नंबर 93 है स्टूडेंट, उधर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, क्या है, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग यह है कि आप जो है इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप जो है गेमिंग करते हो, गेम खेलते हो, जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह या पबजी वगैरह गेम है आप वो यूज़ करते हो, और ऑनलाइन गेमिंग जो अपने लेजर टाइम में करते हो, लेकिन जो है इसका क्रेज़ हो गया आजकल बहुत ज़्यादा ही, कुछ क्रेज़ हो गया, बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ज़्यादा गेमिंग की तरफ जो है वो तवज्जो देते हैं। बहुत सारे अनलिमिटेड गेम्स और वैरायटी ऑफ गेम्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो हमें जो है गेमिंग करनी चाहिए लेकिन एक लिमिटेड जो है टाइम में करनी चाहिए गेमिंग, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ही गेमिंग हो, सही है। नाउ डेज यू आर फ्री एट योर होम, तो इसको में ये नहीं होना चाहिए कि हर वक्त जो है आपकी हॉबी यही हो कि आप हर गेम लेके बैठ गए हो या मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया हो आपके। तो हम लोगों ने ये ऑनलाइन वीडियो से भी स्टार्ट करी है कि आप लोग ज़्यादातर गेमिंग ना करो और पढ़ाई पर तवज्जो दो अपनी, सही है। सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, तो सारी वीडियोस देखो और अपना काम करो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ स्टूडेंट, पेज नंबर 100, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेलीफोनी क्या है कि टू मेक कॉल्स ऑन द इंटरनेट, सही है। ऑनलाइन टेलीफोनी और इंटरनेट टेलीफोनी द टेक्नोलॉजी डेट अलाउ यूज़र टू मेक टेलीफोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट, बस ये ही समझ लो। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप यूज़ कर लेते हो सर्विस ऑनलाइन टेलीफोनी की, सही है। स्काइप है, जैसे स्काइप पे कॉलिंग करते हो, या दूसरी वेबसाइट फेसबुक पे भी मैं जो है आपकी वीडियो कॉल हो सकती है या ऑडियो कॉल हो सकती है, तो व्हाट्सएप है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर विंडोज़ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एंड्रॉयड की नहीं पढ़े, सही है। एंड्रॉयड यानी फ़ोन में जो आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में जो यूज़ करते हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद पेज नंबर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ है इम्पोर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पेज नंबर 95 पे या पेज नंबर 94 पे, ये जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो समझा रहा हूँ। एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट या बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे ऑफर करती हैं कि आप अपना डेटा जो है वो इंटरनेट पर सेव करो। वैसे आप नॉर्मली हम कहाँ सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, यूएसबी में रख लेते हैं फाइल्स अपनी, सही है। तो यूएसबी अगर वायरस आ जाता है तो यूएसबी या हार्ड ड्राइव जो है वो करप्ट हो जाता है डेटा, सही है, वो बेकार हो जाती हैं फाइल्स, आपकी खुलती भी नहीं है, सही है। तो आप जो है ये जो है आपके लिए एक सिक्योर वे है कि आप जो है अपना डेटा जो है वो नेट पर रख सको, ये क्या कहलाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। जो इधर वन ड्राइव जो टॉपिक दिया हुआ है या क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है, ये क्या है, आपकी ऐसी मेमोरी आपको दे देती है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कि आप वहाँ अपनी फाइल सेव कर सको। यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 95 पे कि वन ड्राइव जो है आपको कितनी जो है GB मेमोरी स्टोरेज जो है वो ऑफ़र करती है, 15 GB आपको देती है कि आप अगर 15 GB की फाइल्स या सॉफ्टवेयर या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जाके वहाँ पर सेव करा सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट पेज है स्टूडेंट के चैप्टर का, पेज नंबर 96, यूट्यूब है। यूट्यूब किसने बनाई, सही है, फाउंडर कौन है कि तीन लोगों ने मिलकर यूट्यूब बनाई, स्टीव चैन, चैड हरले और जावेद करीम, सही है। ये एक वेबसाइट है, सही है, जहाँ पे आप वीडियोस शेयर करते हो, सेल्फ क्रिएटेड वीडियोस आप अपलोड करते हो। मैं भी अपनी लेक्चर की वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर ही जो अपलोड करता हूँ। उसके बाद जो है
आप ये किसने कब बनी देख लो, और इसको गूगल ने ख़रीदा था, परचेज़ किया था इन 2006 जो है, गूगल परचेज इट फॉर $1.65 बिलियन, तो गूगल ने ख़रीद लिया था स्टूडेंट। ये एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा है कि हर यूज़र जो इंटरनेट यूज़ करता है वो कम से कम 15 मिनट यूट्यूब पर जो है वीडियोस को देखता है। सही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये स्टूडेंट ये चीज़ें, यूट्यूब ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट, यूट्यूब पढ़ लोगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना होगा आपको। सही है, वो क्वेश्चन क्या है, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द फॉलोइंग, तो तीन टॉपिक आपको मैं दूंगा, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, तो वो भी क्वेश्चन में शामिल करोगे। ये जो इसके क्वेश्चंस हैं अपने, वो तो करने ही हैं आपने। सही है, इसके अलावा एक और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो इंक्लूड करोगे इसके अंदर, जो है तीन टॉपिक के ऊपर ना, तो उसमें ब्रीफ अकाउंट आपने लिखना होगा, मैटर मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट इसके बाद क्या चीज़ें रह जाती हैं इस चैप्टर में, ट्रिकी टर्म्स आ जाओ, यूट्यूब के नीचे दी हुई हैं ट्रिकी टर्म्स। सही है, ट्रिकी टर्म्स रीड कर देता हूँ, वैसे समझा दिए हैं सारे टॉपिक लेकिन फिर भी रीड कर देता हूँ। चैट रूम जहाँ पे आप बात कर सको, सही है, एक दूसरे से ऐसा रूम जहाँ पे बात करने की फैसिलिटी हो, न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ शेयर कर सको, ऐसा ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ लोगों से आप ग्रुप न्यूज़ शेयर कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ब्लॉग क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं रोज़ाना, सही है, और जो सबसे आखिर में पोस्ट होता है वो सबसे पहले आता है, और जब सबसे पहले पोस्ट होता है वो सबसे आखिर में आता है। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग पोस्ट करने को ब्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट यानी हर एक इंडिविजुअल आर्टिकल को ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। फीड रीडर क्या है, ये समझा चुका हूँ, ऐसी न्यूज़ फीड समझाई थी आपको। सही है कि अ प्रोग्राम और वेबसाइट डेट अलाउ टू कीप अप विद न्यू कॉन्टेंट फ्रॉम वेबसाइट, तो जब न्यू कोई चीज़ आती है वेबसाइट के अंदर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑनलाइन गेमिंग समझा दिया स्टूडेंट, ऑनलाइन टेलीफोनी अभी भी बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे ही स्पेस होती है या मेमोरी होती है जो आपको इंटरनेट पे दी हुई होती है, आप अपना स्टोरेज यानी अपने जो भी स्टोरेज करना चाहो फाइल्स वगैरह वो वहाँ पे रख सकते हो, वो सिक्योर हो जाती हैं। सही है, वायरस वगैरह का डर नहीं होता वहाँ पे, लेकिन ये कि लॉगिन उसका पासवर्ड वगैरह याद रखना ज़रूरी है, कि अगर भूल जाओ कभी पासवर्ड वगैरह तो फिर उसको क्या है, तो अपने पास पासवर्ड को याद करना रखना ज़रूरी है, कि अगर ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करो या जो है। उसके बाद स्टूडेंट है मेमोरी बाइट्स हैं, मेमोरी बाइट्स पढ़ना ज़रूरी है। सही है, बिफोर सिटिंग इन द एग्ज़ाम इट इज़ नेसेसरी टू रीड द मेमोरी बाइट्स। सही है, मेमोरी बाइट्स यानी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी में उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे सेम ही टॉपिक्स हैं तकरीबन, मेमोरी बाइट्स को रीड कर लेना। सही है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑब्जेक्टिव तो दिए मैं स्टूडेंट आपको, ऑब्जेक्टिव अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, तभी सिर्फ आप वो करो, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो भी इसके होंगे वो बुक में करने हैं आपने। सही है, कॉपी से रिलेटेड कोई वर्क नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का, तो मेमोरी बाइट्स पढ़ लो, यही दिया हुआ है सब, यही टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, इसके अलावा कोई नई चीज़ हो तो मुझसे पूछ लेना मेमोरी बाइट में। सही है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आया हो तो मुझसे वर्ड ग्रुप पे क्वेश्चन कर लेना। अब आगे क्वेश्चन के पे क्या स्टूडेंट, कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं वो बता दूंगा मैं आपको, ग्रुप के ऊपर जो आंसर्स की पिक भेजता हूँ मैं, पिक्चर भेजता हूँ, तो क्वेश्चन की भी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, कि ये क्वेश्चन आपने सेंड करने हैं, मैसेज करके बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, और फिर उसके आंसर्स तो आपको मिल ही जाते हैं। सही, अच्छा, फिर यहाँ पे लास्ट मैसेज ये है मेरा, कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन उतार लेते हो, सही है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपने सिर्फ आंसर्स को कॉपी करना है, हेडिंग डालनी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, लेकिन सिर्फ आंसर्स को कॉपी करोगे। ओके स्टूडेंट, सारी बातें क्लियर हो गई, समझ आ गया। सही है, फिर आखिर में बता दूँ, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लो भाई। सही है, ईद आ रही है आगे, अभी रमज़ान जा रहे हैं, फिर उसके बाद नया सेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, इससे आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है कि स्कूल कब ओपन हो। सही है, तो ये सिर्फ दिस इज़ ओनली द वे टू स्टडी ऑनलाइन। सही है, बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस, तो स्टूडेंट आई होप सो वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।